गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ ए फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, राइट. इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. द अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एनी पर्सन हु डोंट हैव वर्क और डू नॉट डूइंग वर्क, राइट. ऐसे पर्सन जो किसी पास वर्क नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी है, मतलब एबिलिटी है उसके पास, वो वर्क कर सकते हैं, उसके बावजूद भी उसके वर्क नहीं है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, राइट. जहाँ पे एक पढ़ा लिखा के पास, बंदी के पास नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, राइट, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं. नाउ इन रिसेंट ईयर मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, राइट. तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर सभी कंट्री फेस करती हैं, राइट. वर्ल्ड इज़ worried about this problem. It is a fact that each nation has tried to solve this problem in the own manner, but still now, right? सब कंट्री ने अपने हिसाब से इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है, बट अभी भी है. दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, राइट. अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है. डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री हैव इकोनॉमिकल डेवलप बट कुड नॉट अटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट. डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, जितने भी कंट्री हो, बट फुल एम्प्लॉयमेंट आज तक किसी कंट्री में हमने देखा नहीं, राइट. एज अ रिजल्ट द अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे, राइट. इन इंडिया ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म इश्यू, राइट. तो कहने का इंडिया के अंदर भी लॉन्ग टर्म इश्यू है अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी दो प्रॉब्लम होगी. एक तो पॉवर्टी बढ़ेगी, और जब पॉवर्टी बढ़ेगी, सॉरी, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी तो इंक्रीज होगी, राइट. ये दो रीज़न हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, सॉरी, पॉपुलेशन इंक्रीज के, राइट. आगे चैप्टर आएगा पॉपुलेशन के ऊपर भी, जहाँ पे पॉपुलेशन जो कंट्री की ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, ये प्रॉब्लम हमें देखना ही पड़ेगा, राइट. तो कहने के पॉपुलेशन इंक्रीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की भी और पॉवर्टी की भी, राइट. नाउ वी कैन सी द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इन कॉमन पैलरेंस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंगली टू वर्क बट डजंट गेट वर्क. सो अनएम्प्लॉयमेंट is not a only problem of labor but also factor of production, can also be unemployed, but commonly unemployment is seen in relation to labor only. So here we can define unemployment, keep in mind labor, right. ज़्यादातर हमारे unemployment की बात करेंगे तो ज़्यादातर क्या हमारे दिमाग में आएगा, लेबर्स, राइट. लेबर्स के सबसे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, राइट, क्योंकि इंडिया में लेबर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके यूज़ करने के लिए जो वर्क है वो बहुत कम है, राइट. यहाँ तक कि बहुत से वर्कर्स स्किल भी होने के बावजूद भी उनके पास काम नहीं है, राइट. अकॉर्डिंग टू फॉयस प्रोफेसर पियन, अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज़ विलिंगली टू वर्क बट इट नॉट एबल टू फाइंड वर्क, राइटिंग. अ शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज A short unemployment is a situation where a person is ready and capable of working at current wages rate but does not get work, right. Short unemployment means एक situation है जहाँ पर वो ready है work करने के लिए, कम wages में भी ready है वो work करने के लिए, but उसके बावजूद भी उसके पास work नहीं है, तो उसको हम unemployment कह सकते हैं. According to FO definition, a current wages rate, a person is eager and ready to work but deprived of, he is said to be unwillingly unemployment or a compulsory nature of unemployment. Is not willingly and ready to work, not getting work, sorry, if a person is not willingly and ready to work and not getting work, then जब अनएम्प्लॉयमेंट कब गिनाएगा, एक पर्सन वो वर्क के लिए तैयार है, रेडी, और जो वेजेस मिले उसके भी तैयार है, और उसके बाद भी वो वर्क ना मिले
तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। दिस टाइप ऑफ पर्सन इज सेड ए वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। ऐसे अनएम्प्लॉयड पर्सन जो वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, राइट, उनको वर्क भी नहीं मिल रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चिल्ड्रन, एल्डर पीपल्स, वीक पीपल्स, पीपल हु डू नॉट वॉन्ट टू वर्क आर द पार्ट ऑफ द एक्टिव वर्कर फोर्स बट कैन नॉट बी सेड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। ऐसे वर्कर जो बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे हैं, वीक पीपल हैं, राइट, तो उनको वर्क नहीं मिल रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते हैं। द वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, राइट, और वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मिल रहा है उसके साथ, उसके बावजूद भी उसके पास वर्क नहीं है तो वो हम अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। गेटिंग द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्क फोर्स। एक्टिव वर्क फोर्स सप्लाई इंक्लूड द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स, राइट। एज ग्रुप वो जो है 15 to 64 ईयर है। फॉर दिस मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट कैन बी सेड दैट अनविलिंगली अनएम्प्लॉयमेंट और कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ओनली अ प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट है और जो वर्क करना चाहते हैं उसके पास भी वर्क नहीं है, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो प्रॉब्लम है। इन इंडिया ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट एज बिकम अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं कल भी थी और आज भी है और शायद प्रॉब्लम आगे रह सकती है। कटिंग एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इकोनॉमिक डिपेंडेंट एंड कैन नॉट लिव इन सोसाइटी विद डिग्निटी, कटिंग दैट इज़ द वाई द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट कैन क्रिएट अ सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही है, इकोनॉमिक को पीछे करती है, बट इट ए प्रॉब्लम ऑफ सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑल्सो, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ना हो तो एक बंदा वो तो इकोनॉमिक पीछे ही है बट कहने के उसको सोसाइटी में एक डिग्निटी, एक एथिकल लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसको अर्निंग करना ही पड़ेगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट होना ही पड़ेगा। तो कहने की ये प्रॉब्लम सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। नाउ वी कैन सी द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम एक दो पॉइंट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, राइट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वाइल डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, और अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ नेसेसरी टू नो द नेचर ऑफ इकोनॉमिक बिकॉज द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक, राइट। तो कहने के हम अगर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जानना हो तो हमें पहले कंट्री को देखना पड़ेगा कि वो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट है, राइट। डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंट है और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंट है। जनरली इन डेवलप्ड कंट्री द लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड रिजल्ट फ्रॉम ट्रेड साइकिल क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। दिस इज मेनली फॉर शॉर्ट टर्म, रेडी। तो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है डेवलप्ड कंट्री में वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है बिकॉज ऑफ ट्रेड साइकिल, जो वर्क सीजनली ट्रेड साइकिल होता है उसकी वजह से, राइट, सीजनली वर्क होता है उसकी वजह से। द डेवलप्ड कंट्री जनरली वी फाइंड साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विच कैन बी सॉल्व इंक्रीजिंग द इफेक्टिव डिमांड, वेल इन द कंट्री लाइक इंडिया, राइट, कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द लेबर सप्लाई, द कॉन्स्टेंट इंक्रीज, बट ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर लिमिटेशन एम्प्लॉयमेंट रेट राइज एट द लोअर पेस विच राइज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। लाइक इंडिया वेर द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इज देयर सो द अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। दैट मीन्स द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, रेडी, स्ट्रक्चरल नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टर्म।
This can be solved by introducing economic, social and political changes, right? हम social, economic, political changes करेंगे तो कहीं ना कहीं तो unemployment की problem है वो कहीं ना कहीं developing nations से निकल जाएगी. Through developing is an infrastructural facility. Now, to know the nature of types of unemployment, the Sri Rajkrishna Committee reported 2011 and 2012 has four measures, right? हमें राज अगर हमें जानना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स मेजर्स क्या हैं तो उसके लिए हमें श्री राजकृष्णा की कमेटी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, राइट. फर्स्ट, इफ एनी पर्सन हैज विलिंगनेस एंड कैपेसिटी टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क फॉर सॉरी मोर देन 28 आवर्स अ वीक ही इज currently unemployed, right? But those who are employed 28 hours and less than 42 hours in a week, then is considered a less intention unemployed. Getting? So, जो person 28 hours से कम time में work करता है, right? In a week, then it called a unemployed, right? But if you work for 28 hours and less than 42 hours, then it called a intense unemployed, right? So it is a definition given by the Sri Rajkrishna Committee report. From this report, we can know the nature of unemployment. Getting? Second point is income. If a person gets very less income, which cannot solve the problem of the poverty, then from the income point of view, he is poor, right? In India, especially this type of poverty is seen, right? India के अंदर जो गांव हैं, जो village area है, rural area है, उसके अंदर हम ये problem देखने को मिल सकते हैं, right? अब यहाँ पे एक limitation criteria भी दिया है, उसके according poor people कौन है, we can see. For example, a person required 30,000 per month for satisfy the needs of his family, but he is earning only 15,000. Or less than from present job, right? Then is called poor, मतलब unemployed कहलाएगा. Getting? एक person को उसकी family चलाने के लिए 30,000 चाहिए उसको family चलाने के लिए और satisfy करने के लिए, then but वो 15,000 या उससे कम कमा रहा, then is called unemployed. Getting? राइट. तो यहाँ पे जो बंदा है वो 15,000 कमा तो रहा है, पर उसके अकॉर्डिंग स्किल के अकॉर्डिंग और जिस वजह से नॉलेज है, डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग वो अनएम्प्लॉयड है, राइट. अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा कि बस जो उसके पास अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है बट वो अर्न नहीं कर पा रहा. गेटिंग? तो सेम नेक्स्ट जो है विलिंगनेस, व्हेन अ पर्सन इज एग्लिजिबल फॉर गेटिंग गुड जॉब बट ही सॉरी सी और ही डज नॉट गेट गुड as per as his eligibility and accept the lower credit job than and get very less income from this job, then he is unemployed. For example, she has to work for clerk, right? एक person है जो अच्छी degree उसके पास, वो work अच्छे करना चाहते हैं but उसके हिसाब से उसको job ना मिले, उसके eligibility के हिसाब से job ना मिले, तो वो भी एक लो इनकम अर्न नहीं करेगा और वो भी एक तरह का अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल सी ए वर्क एज ए क्लर्क के हिसाब से क्लर्क की जगह पर सी ए वर्क करे, राइट. तो सी ए जो है वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, राइट. सेम यहाँ पे 30,000 की इनकम की ज़रूरत थी उसको बट वो 15 ही कमा पा रहा है तो भी कहीं ना कहीं एक इनकम के हिसाब से वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, राइट. नाउ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी कुछ एम्प्लॉयर जो हैं जो एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं पर उनको उतना काम नहीं मिलता है तो भी कहने गए अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे, राइट. व्हेन अ लेबर इज़ वर्किंग विद लेस देन इज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, राइट. व्हेन एक लेबर को कम काम मिले बट वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसके पास इतना इफेक्ट है, इतना कैपेबिलिटी है उसके पास, राइट. तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको काम ना मिले तो भी अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन मेक 20 meter क्लोथ्स इन अ डे बट गेट अ जॉब वेर ही मेक ओनली 10 meter क्लोथ्स, राइट. तो भी एक अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा, राइट.
getting? No, according to above measures road, unemployment can divide into following types, right? According to कुछ ऊपर मेजर रूट्स के हिसाब से अब अनएम्प्लॉयमेंट हम देखेंगे, राइट? कुछ फॉलोइंग टाइप्स, मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर डिस्गार्ड अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो इतने सारे मतलब फाइव अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स हैं, राइट? टाइप्स ऑफ फाइव अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम कवर अप कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।